स्वागत है आपका हमारे चैनल डीआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस रहेगा एक सेट में, जो आप एसबीआई पीओ का जो मेंस का जो क्वेश्चंस होगा वो एग्जाम से एकदम रेलेवेंट होगा, एकदम नया नया टाइप्स का आपका क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है। और जिन लोगों के पास अगर पीडीएफ ना हो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करें। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा है कि द ओपीडी ऑफ द हॉस्पिटल वाज विजिटेड बाय ए डिफरेंट डॉक्टर, मतलब कि ओपीडी आपका हॉस्पिटल का, उसमें आपका 8 अलग अलग डॉक्टर के द्वारा उसमें क्या विजिट किया जाता है। डॉक्टर्स का नाम आपका अलग अलग दिया गया है और अलग अलग आपका स्लॉट में मिलते हैं वो, ठीक है। क्या किया गया इसमें क्या कि नो टू डॉक्टर्स प्रोवाइडेड कंसल्टेशन इन द सेम स्लॉट, मतलब कोई भी दो डॉक्टर का आपका जो कंसल्टेशन होगा वो आपका सेम स्लॉट में होने वाला नहीं, ठीक है। द स्लॉट वेयर कंसेक्यूटिव विदाउट ब्रेक, मतलब आपका जो आपका स्लॉट है वो आपका एकदम ब्रेक फ्री है, मतलब जिस टाइम पे आपका खत्म होगा उसी टाइम से आपका क्या होने वाला, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। लिखा है दस इफ वन इज डॉक्टर कंसल्टेशन एंडेड इज 12:30 PM देन द डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्टेड 12:30 PM, मतलब आपका 12:30 बजे जो आपका कंसल्टेशन खत्म होगा उसी टाइम में आपका दूसरा कंसल्टेशन क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। The slot wear of either 30 minutes or 45 minutes, मतलब जो आपका slot होगा या तो आपका 30 minutes का होने वाला है या तो आपका 45 minutes का होने वाला है, ठीक है। दोनों में और लगा है, कोई दोनों में से एक ही आपका adjust होने वाला है, ठीक है। इस slot है different number of patient, है ना, आपका हर एक slot में आपका different number of patient है 1 to 8 आपका, जो आपका same order में नहीं है, मतलब आपका नंबर ऑफ पेशेंट होना चाहिए। आपका कोई भी डॉक्टर के पास नंबर ऑफ पेशेंट आपका 2 होगा 3 होगा 5 होगा 6 होगा 7 8 करके जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नंबर 3 कंसेक्यूटिव स्लॉट वेयर द सेम ड्यूरेशन, लिखा है नो 3 कंसेक्यूटिव स्लॉट वेयर द सेम ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब कोई भी आपका 3 जो स्लॉट होगा वो एक सेम ड्यूरेशन में होने वाला नहीं है। मान लो अगर 30 और 45 मिनट का आपका ड्यूरेशन दिया है तो आपका 30 30 30 वाले स्लॉट में फिक्स ड्यूरेशन नहीं होगा, 45 45 45 तीन आपका ड्यूरेशन होने वाला, साथ में कंसेक्यूटिव होने वाला नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, पहले वेरिएबल देख लेंगे कितना वेरिएबल में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे पहले तो डॉक्टर का नाम हो गया, ठीक है, एक आपका स्लॉट हो गया, ठीक है, एक आपका स्लॉट जो है स्लॉट का गैप हो गया आपका 30 45 मिनट आपका हो गया, वो ड्यूरेशन हो गया आपका, ठीक है, और आपका नंबर ऑफ पेशेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है, हम लोग एक पहले बॉक्स बना लेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आठ लोगों का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक बॉक्स 2 3 4 5 6 7 8 ये गैप हो जाएगा, ये नेम हो जाएगा, ये टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ऐसे, और इधर एक हम लोग नो वाला पॉइंट बना लेंगे जिस चीज के बारे में बोले कि वह नहीं हो, ठीक। ये आपका दिया गया, यहाँ सब लोग सीरियल कर लेना, सीरियल वाइज अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। अब मेरा इंफॉर्मेशन क्या यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस में कि द स्लॉट विद वन पेशेंट एंडेड एट 12:30 PM, मतलब जो आपका जिसके पास नंबर ऑफ पेशेंट आपका वन है वो क्या कर रहा है 12:30 PM में आपका स्लॉट एंड कर रहा है, ठीक। दूसरा आपका क्या दिया गया, द नंबर ऑफ पेशेंट इन डी स्लॉट वाज 4 times एज द सेकंड लास्ट स्लॉट, मतलब आपका डी का जो नंबर ऑफ पेशेंट होगा, डी का जो नंबर ऑफ पेशेंट होगा आपका सेकंड लास्ट स्लॉट वाले से 4 गुना होगा, ठीक है। अगर अगर इसका नंबर ऑफ पेशेंट सेकंड लास्ट, ये लास्ट हो गया या सेकंड लास्ट हो गया, अगर इसका 1 हो तो डी का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अगर इसका 2 हो तो डी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है क्या कि डी स्लॉट स्टार्टेड एट 2:15 PM, मतलब डी का जो स्लॉट है वो आपका 2:15 PM में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या लिखा है कि नंबर ऑफ स्लॉट आफ्टर ए स्लॉट्स आर इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट बिफोर एच स्लॉट, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एच के पहले जितना आपका स्लॉट होगा उतना ही स्लॉट आपका ए के बाद होने वाला है, दोनों का संख्या क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एच स्लॉट स्टार्टेड एट 1 PM, मतलब एच का जो स्लॉट है वो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 PM में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ए स्लॉट है 6%, मतलब ए वाला जो स्लॉट है उसके पास कितना है नंबर ऑफ पेशेंट आपका 6 है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, वन ऑफ द पेशेंट वाज 30 मिनट वाज इमीडिएटली आफ्टर द 45 मिनट स्लॉट। ठीक है, जो आपका 7 पेशेंट रखता है जिसका आपका स्लॉट 30 मिनट का है वो 45 मिनट वाले के ठीक बाद होगा, मतलब आपका 45 मिनट वाले के ठीक बाद होगा 30 मिनट वाला स्लॉट, और इसमें आपका नंबर ऑफ पेशेंट कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, जी स्लॉट इमीडिएटली बिफोर बी स्लॉट, मतलब जी का जो स्लॉट है वो बी के स्लॉट से ठीक पहले होगा, ये भी फिक्स में इंफॉर्मेशन है। द स्लॉट विद पेशेंट 5 वाज इमीडिएटली आफ्टर सी स्लॉट, मतलब जिसमें आपका 5 नंबर ऑफ पेशेंट है वो आपका सी के ठीक बाद वाले स्लॉट में अरेंज होगा। ठीक है, F slot ended at 4:15 PM. F का जो स्लॉट है, F का जो स्लॉट है, वो आपका 4:15 PM में क्या हो रहा है? End हो रहा है। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि the first and second slot had 5% in total. मतलब आपका पहला और दूसरा स्लॉट मिला के कितना परसेंट आपका हो रहा है? 5% हो रहा है। ठीक है? चलिए। फिर क्या लिखा है? Slot one had more than one more patient than that in slot 2, मतलब क्या है यहाँ पे कि slot 1 में जो है आपका वो 2 से ज्यादा patient है, मतलब slot 1 में आपका 2 से ज्यादा आपका patient यहाँ पे क्या है बैठेंगे। ठीक है, और दोनों मिलाकर क्या होना चाहिए 5 भी मेरा होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है क्या क्वेश्चन में कि slot A and E वे डिफरेंट ड्यूरेशन, मतलब A और E का जो ड्यूरेशन होगा तो आपका क्या होने वाला है डिफरेंट होने वाला है, कहने का मतलब क्या कि ए का ड्यूरेशन अगर 30 मिनट होगा तो आपका ई का ड्यूरेशन 45 मिनट होगा, अगर ई का ड्यूरेशन आपका 30 मिनट होगा तो ई का ड्यूरेशन आपका 45 मिनट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड द लास्ट स्लॉट है डिफरेंट स्लॉट सिचुएशन, डिफरेंट स्लॉट ड्यूरेशन, मतलब पहला और लास्ट वाला का जो ड्यूरेशन होगा वो आपका डिफरेंट होगा, मतलब पहले वाले से अंतिम वाले का टोटल आपका ड्यूरेशन डिफरेंट होने वाला है, पहला 30 तो लास्ट वाला 45 मिनट, और पहला 45 तो लास्ट वाला आपका 30 मिनट का डिफरेंस होने वाला है। हम लोग थोड़ा सा एक बात सोचेंगे क्या कि ये जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट 1 रहेगा वो 12:30 PM पे वो अपना स्लॉट क्या करेगा एंड करेगा, डॉक्टर से मिलकर अपना एंड करेगा, लेकिन ये बात हम जानना चाहते हैं, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए कि घड़ी का जब भी स्विच चलेगा तो क्लॉकवाइज में, मतलब पहले 11 पे फिर 12 पे फिर 1 पे 2 पे 3 पे चलते करके फिर 12 पे जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम तो कभी चेंज नहीं होने वाला, टाइम में कोई रैंकिंग नहीं लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम जब भी होगा तो आपका ऊपर से नीचे ही आने वाला है। लास्ट वाला बोला क्या कि बात एफ का जो है वो 4:15 पे एंड हो रहा है, तो लास्ट में सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है आपका पोजिशन। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाले में कभी फर्स्ट अरेंज होगा क्योंकि इसमें 12:30 लिखा गया है, तो ये फर्स्ट वाला कभी इसमें अरेंज होने वाला नहीं है, तो ये कंफर्म है कि जब भी अरेंज होगा तो यहाँ पे 2 अरेंज होगा, और जैसे ही सेकेंड लास्ट का आपका 2 अरेंज होगा डी का कितना हो जाएगा 2 का 4 टाइम्स, मतलब 2 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा आपका, 8 जैसे ही वहां होगा तो यहाँ पे 2 फिक्स हो जाएगा, और जैसे ही 2 फिक्स होगा तो फर्स्ट वाला स्लॉट का नंबर ऑफ पेशेंट आपका मोर देन 2 चाहिए, तो यहाँ 4 होगा और यहाँ 1 होगा, क्योंकि 5 का जो सीक्वेंस बनेगा वो या तो 3 या 2 बनने वाला है या तो आपका 4 या 1 बनने वाला है, तभी ना 3, 2, 5, 4 और 1, 5 होगा, 2 तो यहाँ अरेंज हो गया आपका, ये कभी 3, 2 का सीक्वेंस नहीं बनेगा तो हमेशा किसका बनेगा आपका
चार और एक का सीक्वेंस बनेगा। इतना तो कंफर्म हो गया, जब इतना कंफर्म हो गया तो एक बजे जो एक नंबर प्रेसिडेंट था उसका स्लॉट कितने बजे खत्म हो रहा है, आपका 12:30 में खत्म हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ये अरेंज हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है यहाँ पे कि एच का जो है वो एच का आपका 1 PM होने वाला है, एच का आपका क्या होने वाला है 1 PM में ये इसका स्टार्ट होगा। तो ये कंफर्म ये हम कह सकते हैं कि 12:30 से खत्म होगा तो 12:30 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, 12:30 पे अगर खत्म हो रहा है कोई भी आपका स्लॉट तो आपका 12:30 से स्टार्ट हो जाए। ठीक, और जब 12:30 से स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है ये कंफर्म 1 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि 1 बजे चलेगा तभी ना ये एच का स्लॉट 1 बजे स्टार्ट होगा। तो 1 बजे जैसे ही एच का स्लॉट स्टार्ट होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही एच वहाँ अरेंज हो जाएगा तो मेरा क्या है कि एच के ऊपर जितने लोग उतने लोग आपका ए के नीचे, तो एच के ऊपर आपका 1, 2, 3 लोग तो 1, 2, 3 लोग आपका ए के नीचे, तो ए आपका यहाँ अरेंज हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ अरेंज होगा वैसे यहाँ पे नंबर लोकेशन क्या अरेंज हो जाएगा, 6 अरेंज हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद क्या है यहाँ पे कि 12:30 और ये 1 बजे पर ड्यूरेशन कितना देर का है, 30 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डी का नंबर ऑफ पेशेंट 1 है और वो 2:15 में अपना क्या स्लॉट स्टार्ट कर रहा है, कि डी का नंबर ऑफ पेशेंट 8 है और 2:15 में स्लॉट स्टार्ट कर रहा है। तो भैया डी तो यहाँ कभी होने वाला है नहीं, और डी यहाँ 2:15 में होगा तो फिर एफ 4:15 कहाँ जाएगा, इसलिए मेरे पास केवल एक ही स्लॉट खाली है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी और ये नंबर ऑफ पेशेंट हो जाएगा 8 और इसका स्टार्टिंग टाइम कितना हो जाएगा 2:15, ये अरेंज हो जाएगा। चलिए तो ये अब अरेंज हो जाएगा तो हम लोग को देखना क्या है कि मेरे पास दो यहाँ पे सीक्वेंस है। अब देखो क्या यहाँ पे कि डी 2:15 में होगा तो हो सकता है 2:15 में आपका 30 मिनट जोड़े या फिर 45 मिनट आपका जोड़े, तो 30 मिनट जैसे जोड़ेंगे तो 2:45 हो जाएगा, 45 मिनट आपका जोड़ेंगे तो आपका 3 बज जाएगा, तो 3 बजे खत्म होगा तो 3 बजे से ही स्टार्ट होना चाहिए ना, आपका लास्टली मैक्सिमम तो 45 मिनट का स्लॉट होने वाला है, तो आपका 3 बजे जैसे ही यहाँ खत्म होगा तो 3 बजे यहाँ स्टार्ट होगा। तो यहाँ तो एफ कभी किसी भी कंडीशन में मैक्सिमम या मिनिमम कंडीशन में भी बैठ नहीं सकता है, जब भी आपका होगा तो एफ यहाँ अरेंज होगा और ये आपका 4:15 इसका क्या हो जाएगा, स्लॉट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया आपका। एक और बात, आपका छोटा सा इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है आपका यहाँ पे, जी और बी का जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, जी और बी का जो सीक्वेंस है आपका एक साथ बैठेगा, मतलब बी के ठीक ऊपर जी और जी के ठीक नीचे आपका बी बैठने वाला है, तो मेरे पास 2 प्लेस खाली होना चाहिए, तो एक तो आपका ये वाला प्लेस है, एक तो आपका ये वाला प्लेस खाली होना चाहिए। एक और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एच जो है नंबर ऑफ पेशेंट 5 नहीं रखता है, एच जो है तो नंबर ऑफ पेशेंट क्या रखता है, 5 नहीं रखता है। ठीक है, ये तो अरेंज हो गया। अब चलिए आपका ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया। ठीक है, ये का 6% ये भी अरेंज हो गया और आपका बचा क्या F15 भी अरेंज हो गया। ठीक है, और आपका बचा जी और बी, तो जी और बी यहाँ भी अरेंज हो सकता है, यहाँ भी आपका अरेंज हो सकता है। ठीक है, सी के ठीक नीचे वाला स्लॉट के ऊपर क्या होना चाहिए, 5 नंबर ऑफ पेशेंट होना चाहिए। तो या तो सी आपका यहाँ होगा तो नंबर ऑफ पेशेंट आपका 5 यहाँ होने वाला है, ठीक, अगर सी यहाँ होगा तो नंबर ऑफ पेशेंट आपका यहाँ पे 5 होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे सी होगा और यहाँ पे 5 लिखेंगे तो कहीं भी आपका जी और बी एडजस्ट होगा, कहीं भी जी और बी एडजस्ट नहीं होने वाला, तो यहाँ पे सी नहीं होगा, और जब यहाँ पे सी नहीं होगा तो सी यहाँ कन्फर्म अरेंज हो जाएगा, और जैसे ही सी यहाँ अरेंज हो जाएगा तो यहाँ क्या अरेंज हो जाएगा आपका 5, और जैसे ही यहाँ 5 अरेंज हो जाएगा, सॉरी हाँ 5 यहाँ अरेंज हो जाएगा तो आपका 2 प्लेस खाली रहेगा, एक तो आपका 1, 6, 8, 2, 5, 4 मतलब 3 और 7 का प्लेस आपका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 वाले में क्या लिखा है, 7 30 मिनट का होगा, 7 क्या होगा 30 मिनट का होगा, 7 आपका 30 मिनट का होगा, वो 45 मिनट के स्लॉट के ठीक नीचे वाले स्लॉट में आपका एडजस्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो आपका 45 मिनट का स्लॉट नहीं है, तो ये भी आपका 7 नहीं होगा कंफर्म, ये आपका 45 रहता तभी ना यहाँ पे 7 होता, तो एक प्लेस आपका यही बाकी और ये बाकी, तो कंफर्म 7 यहाँ होगा, और जैसे ही 7 यहाँ होगा तो यहाँ आपका 45 मिनट का स्लॉट होगा।
और जैसे ही 45 मिनट का स्लॉट यहां अरेंज होगा तो आपका एलेवन कितना और अरेंज हो जाएगा, 11:45 अरेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। और ये अरेंज हो जाएगा, ये 7 बचा आपका, कितना 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया। एक और बात क्या लिखा था कि यार कि एक आपका स्लॉट जो है 3 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आपका स्लॉट क्या होगा वो आपका 3 PM में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, स्लॉट 3 PM में स्टार्ट होगा। ये कंफर्म है यहाँ पे कि 3 PM में स्टार्ट होने वाला है, तो कंफर्म ये 3 यहीं पर जाने वाला है, 3 यहीं पे जाएगा, तो इसमें 45 मिनट ऐड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट 3 बजेगा, और जैसे ही यहाँ 3 बजेगा तो यहाँ भी आपका 3 बजने वाला है, ठीक है। ऐसा क्या ये ऐड करेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला होगा 4:15 मतलब 4:15 होगा, तो अगर 3 बजे में 30 मिनट ऐड करते हैं तो 3:30 हो जाएगा, 3:30 यहाँ भी, और 3:30 जैसे ही होगा तो 45 मिनट ऐड करेंगे तो 4:15 हो जाएगा, या फिर 3 बजेगा तो 45 मिनट ऐड करेंगे तो 3:45 यहाँ भी, फिर आपका 30 मिनट ऐड करेंगे तो आपका 4:15 यहाँ रेंज जाएगा, मतलब दोनों आपका क्या हो रहा है पॉसिबिलिटी आपका बन रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया था और तो कुछ नहीं दिया गया, ये भी आपका अरेंज हो गया, ठीक है, आपका सी और फाइव भी अरेंज हो गया। अब देखो क्या है यहाँ पे कि 2:15 वाला स्लॉट हमको अरेंज करना है 1 बजे को लेकर, और मेरे पास बचा है ई बी और जी, इस तीनों का अरेंज करना है। एक बात और लिखा था ई और ए के बारे में कि दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है अलग अलग होगा, ठीक है, स्लॉट का डिफरेंस आपका अलग अलग होगा और लास्ट और फर्स्ट वाला का भी डिफरेंस क्या होगा अलग अलग होने वाला है। तो हम लोग एक मानेंगे यहाँ पे, एक सपोज करेंगे कि अगर 1 बजेगा यहाँ 1 बज के यहाँ पे 45 मिनट करेंगे, ठीक है, एक बज के 45 मिनट करेंगे, यहाँ 45 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ 1:45 होगा तो 2:15 आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 30 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए, 30 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, 30 मिनट का आपका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा, 30 मिनट का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, तो ये आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या और लिखा था यहाँ पे कि 3 बजेगा यहाँ पे और यहाँ पे 4:15 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बजेगा तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे दोनों हो सकता है 3:30 होगा तो 45:30 दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 हो गया 4173 कुछ लिखा था कैसे डिफरेंसेस हो गया। और एक बात आपको और लिखा था क्या कि बी जो है वो एच का कंजुगेटिव क्या है, नहीं, कभी भी बी यहाँ नहीं होगा, और जब बी यहाँ नहीं होगा तो बी यहाँ कंफर्म और यहाँ पे क्या कंफर्म जी कंफर्म और यहाँ पे क्या कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, कॉमन टर्म्स हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पे ई और ए का जो है वो आपका मैच हो रहा है, ई और ए का जो आपका स्लॉट का डिफरेंस है वो आपका क्या हो रहा है मैच हो रहा है, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये 1 से लेकर 1:45 था हम लोग क्या करेंगे 1:30 करेंगे, और जैसे ही यहाँ 1:30 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:15 मतलब ये 45 मिनट का गैप होगा, और ये कितना देर का गैप होगा 30 मिनट का गैप होगा, ठीक है, 30 मिनट का यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, जैसे 30 मिनट का यहाँ पे गैप होने वाला है, ये दोनों अरेंज हो गया, आपका नाम भी अरेंज हो गया और आपका टाइम ड्यूरेशन भी और आपका पेशेंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 45 45, तो ये आपका 30 होने वाला है, 30 का डिफरेंस होगा क्योंकि दो तीन आपका कंसेक्यूटिव शॉट आपका साथ में अरेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ 30 जैसे ही होगा तो यहाँ 3:30 अरेंज होगा, और जैसे ही 3:30 अरेंज होगा तो यहाँ भी 3:30 अरेंज होने वाला है, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंस हम लोग देखेंगे 3:30 मतलब आपका 45, तो लास्ट और फर्स्ट वाले का जो डिफरेंस है वो अलग अलग होने वाला है, डिफर होने वाला है, ये आपका 30 मिनट का डिफरेंस होगा, जैसे ही 30 मिनट का डिफरेंस होगा तो ग्यारह बज के क्या हो जाएगा यहाँ पे 45, तो 20 मिनट का डिफरेंस होगा तो ग्यारह बज के कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो ये आपका अरेंज हो गया टोटल, आपका गैप भी अरेंज हो गया, 3 कंसेक्यूटिव आपका स्लॉट साथ में नहीं है और आपका BS का इमीडिएट फेवर नहीं या फिर अप एंड डाउन में नहीं बैठा हुआ है, टाइम भी आपका जहां से खत्म वहां से स्टार्ट,
खत्म स्टार्ट, खत्म स्टार्ट सब जो वही अरेंज है, नाम भी आपका अरेंज हो गया। चलते हैं अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पर्सन देयर देयर इन अ सी स्लॉट, सी स्लॉट में कितने आपका पेशेंट है, तो सी स्लॉट में आपका दो पेशेंट है, ठीक है। पढ़ो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट एच एंड एफ स्लॉट, मतलब एच और एफ स्लॉट के बीच में जो पेशेंट है उसका डिफरेंस कितना, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, आंसर हो जाएगा आपका बी। इन नंबर क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो स्लॉट है वो कब स्टार्ट हुआ, तो 11:15 में, आंसर हो जाएगा सी। चार नंबर क्वेश्चन जो है हाउ मेनी स्लॉट पेयर देयर इन सी एंड एफ स्लॉट, मतलब सी और एफ के बीच में कितना स्लॉट है, एक भी स्लॉट आपका अरेंज नहीं हो रहा, आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। पांच नंबर क्या लिखा है कि बी फॉर द फॉलोइंग बियर्स इज सिमिलर रिलेशनशिप एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मतलब आपका चार में से पांच में से कोई चार आपका एक प्रकार समान है और एक आपका है वो चारों को फॉलो नहीं करता है और चारों उसको फॉलो नहीं करता है, ऐसा कोई नहीं, चारों का डिफरेंस होगा मेरे हिसाब से या तो ऑड इवन का चक्कर होने वाला है या फिर आपका गैप का कोई ना कोई डिफरेंस होगा। तो बी का डिफरेंस गैप देखेंगे तो बी का आपका कितना 45, एफ का 45, ए का 45 और जी का आपका 30, आंसर क्या हो जाएगा आपका जी, डी आर जी आपका जो है वो आपका अलग 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 आपका स्लॉट में दे रहा है, ठीक है 30 मिनट का। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा क्या गया है कि द फॉलोइंग क्वेश्चन सिंबल हैज एंड, ठीक है, एट द रेट स्टार डॉलर एंड और ये एरो दिया गया आर यूज विद द फॉलोइंग मीनिंग्स, ठीक है, बिलो। इसमें क्या किया गया है कि कुछ आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे पी हैज क्यू, यहाँ लिखा क्या गया है पी हैज क्यू, पी हैज क्यू, ठीक है, मतलब क्या है कि पी इज द सन ऑफ क्यू, है ना, पी इज द क्या हो जाएगा, पी इज द सन ऑफ क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैज का मतलब क्या हो जाएगा आपका सन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा अरेंजमेंट है मेरा, ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया। दूसरा क्या है आपका, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P जो है वो Q का बेटा है, Q का बेटा है मतलब P यहाँ और पक्का मेल होने वाला है, ठीक है, P जो है वो Q का बेटा है, अगर कोई मेरा बेटा है, ठीक है, तो हम उसके या तो माता या फिर पिता हो सकते हैं, वो मेरा बेटा है ना, हम तो उसके माता या पिता कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो क्यू का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, लेकिन पी का जेंडर क्लियर है कि आपका पी जो होगा वो सन ऑफ क्यू होगा, ठीक है। चलिए ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ भी दिया गया है, पी एंड क्यू, ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिए, पी एंड क्यू का मतलब आपका क्या है यहाँ पे कि क्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ पी, मतलब क्यू जो है वो इकलौता दामाद है किसका, पी का, तो पी का दामाद होगा कब, जब पी की कोई यहाँ पे बेटी होगी और इसका विवाह जो होगा वो इसके हस्बैंड से होगा, ठीक है, तो ये जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू, मतलब पी एंड क्यू का मतलब क्या है कि क्यू इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ पी, है ना, तो ओनली सन इन लॉ ऑफ पी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आपका आ जाएगा पी, आया होगा मेरे हिसाब से समझ में। ये आपका रिवर्स ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे कि राइट साइड से बनाते थे, है ना, राइट साइड से कोई भी अगर हमको स्टेटमेंट मिलता तो हम लोग उसको राइट साइड से बनाते थे और राइट साइड वाले का जेंडर कभी क्लियर नहीं होता है, ये हम लोग को पता था, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे जनरेशन वाइज बनाएंगे तो ज्यादा ट्रिकी होगा और उससे ज्यादा आसान भी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स बोल रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, रिलेटेड टू क्या होगा, हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, यही पूछ रहा है ना, के जो है वो एफ से कैसे रिलेशन रखता है,
तो जहां से लगा रहे रिलेशन वहीं से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखिएगा कि जहां से लगा रहे मतलब के का रिलेशन एफ के साथ क्या है, के साथ या से लगा रहे तो एफ से रिलेशन पूछ रहा है, तो जहां से बोले हम वहां खड़े हो जाएंगे तो मेरा इससे रिलेशन तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी दिया गया है, इसमें स्टेटमेंट क्या दिया गया है, एफ हैज आई परसेंटेज जे एंड पी एट द रेट के दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका जो है वो P और Q का ऊपर वाले इंस्ट्रक्शन में चर्चा किया गया है, तो कहीं P पहले है जैसे कि फर्स्ट वाले में कि P has Q, P is the son of Q कर दिया है, P को पहले कर दिया है, तो P जो है वो आपका Q का पुत्र है, लेकिन P एंड Q जैसे कि अभी हम बताए हैं P एंड Q का उसमें क्या कर दिया है कि बाद वाले को पहले कर दिया, मतलब Q आपका बाद में था उसको रिवर्स कर दिया गया है। तो हम लोग इसको जनरेशन बेस पे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से मेरा बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि F has I का मतलब क्या है। तो has का मतलब क्या है, यहाँ पे देखना है has का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा गया है, जैसे ये लिखा गया F has I, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर P has Q लिखे तो कोई दिक्कत होगा क्या, क्योंकि F के जगह P रख देंगे और I की जगह क्या रख देंगे Q, कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, सिंबल भी मेरा क्या है बराबर है। तो इसका इस P और Q का मतलब ऊपर क्या दिया गया है यहाँ पे कि P is the son of Q लिखा गया है, P is the son of Q, तो इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है हमको, ठीक है। और जहां तक बात रहा कि ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट से हमको कोई मतलब है, बस हमको मतलब है सिंबल से और उसके रिलेशन से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे P is the son of Q है तो F is the son of I हो जाएगा, मतलब P Q का बेटा है तो F I का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। हम लोग ठीक उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे, लिख देंगे P is the son of Q मतलब F is the son of I, F is the son of I। और जब भी son है ना आपका, फिर niece nephew है ना, या फिर डॉटर जब भी होगा तो उसका एक जनरेशन नीचे ही होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, इस दोनों का तो भैया मामला खत्म हो गया है ना, एक सिंबल का मामला मेरा खत्म हो गया, तो हम लोग बारी बारी से प्रत्येक सिंबल पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरे सिंबल पे आते हैं, दूसरे सिंबल पे आएंगे तो आई परसेंटेज क्या लिखा गया है, आई परसेंटेज आपका लिखा गया है जे, तो परसेंटेज ढूंढने के है कहां क्वेश्चन में, ठीक है। तो परसेंटेज लिखा गया P is the wife of Q मतलब P परसेंटेज, Q का मतलब है P is the wife of Q मतलब Q is the wife of J, ठीक है। Q is the क्या हो जाएगा, wife of J हो जाएगा, मतलब I is the wife of J, तो I जो है वो wife हो जाएगी J की, कंफर्म। तो जैसे ही J की wife हो जाएगी तो J इसका हस्बैंड हो जाएगा, है ना। और दो डबल एरो का साइन होता है कपल वाले साइन में, स्पाउस वाले साइन में, पति पत्नी वाले साइन में, ठीक है। चलिए तो ये वाले भी सिंबल का मैटर खत्म हो गया, अब आया एंड का आपका मैटर, है ना। तो एंड का मैटर है J एंड P लिखा गया है, J एंड क्या लिखा गया है, P लिखा गया है, तो हम लोग एंड ढूंढेंगे कि एंड है कहाँ। लिखा है कि P एंड Q, P आपका एंड लिखा है, P एंड Q लिखा है कि Q इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ P। थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें आपका क्या है उल्टा है, तो यहाँ JP का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे लिखा है क्या कि Q is the only son-in-law of P, मतलब Q जो है वो P का इकलौता दामाद है, मतलब P जो है वो J का इकलौता दामाद है, तो J का इकलौता दामाद होगा मतलब इसकी कोई ना कोई पुत्री होगी, पुत्री का कोई ना कोई हस्बैंड होगा, और ये हस्बैंड होगा कौन आपका, P। तो ये इकलौता दामाद है, इसके अलावा ना तो इसकी कोई बेटी है ना तो इसका कोई दामाद है, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए फिर आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस ये वाले सिंबल का भी मामला खत्म हो गया, अब ये वाले सिंबल पे आते हैं एट द रेट, तो पी एट द रेट क्यू ढूंढेंगे हम लोग, एट द रेट है कहाँ पे, एट द रेट है पी इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, है ना, पी इज द चाइल्ड ऑफ क्यू मतलब क्यू का पुत्र आपका पी है ना, तो पी इज द चाइल्ड ऑफ क्या हो जाएगा, पी इज द चाइल्ड ऑफ आपका हो जाएगा के, यहाँ पी इज द चाइल्ड ऑफ के। अब मेरा कोई चाइल्ड मतलब या तो पुत्र है या फिर पुत्री है, ठीक है, ये तो कंफर्म है कि ये मेरा चाइल्ड है ना, चाइल्ड कहने का मतलब पुत्र पुत्री दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम इसके कौन है ये तो कंफर्म नहीं है,
ये तो हम इसके माँ भी हो सकते हैं, इसके पापा भी हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो ना तो के का जेंडर क्लियर है, हाँ के का जेंडर क्लियर है आपका, सॉरी के का जेंडर क्लियर नहीं है, पी का आपका जेंडर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ इज के रिलेटेड टू पी, मतलब आप सॉरी हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, मतलब एफ से आपका के का क्या रिश्ता है। तो जहां से बोले वहां हम खुद खड़े हो जाएंगे, हम खुद वहां पे खड़े हो जाएंगे, कॉपी पे खड़े मत होइएगा, ठीक है। चलिए देखते क्या है कि यहाँ एफ लिखा गया है, एफ यहाँ हम खुद खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी माँ और ये मेरे पिताजी, और पिताजी की बेटी मेरी कौन बहन सिस्टर लगेगी, और सिस्टर जैसे ही लगेगी यहाँ पे तो सिस्टर के हस्बैंड मेरे कौन ब्रदर इन लॉ लगेंगे, और ब्रदर इन लॉ के पिताजी मेरे कौन फादर इन लॉ लगेंगे। यहाँ जब पिताजी रहेंगे तब ना फादर इन लॉ लगेंगे, ये तो माता जी भी हो सकते हैं, तो ये मदर इन लॉ लगने वाले हैं आपके, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डाटा पूरा, जब क्लियर ना रहे क्वेश्चन आपका, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, आपके जेंडर क्लियर है नहीं तो हम लोग खुद से बता नहीं सकते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है बस उसी पे आपको दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका, अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, जे रिलेटेड टू पी मतलब पी से जे का क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर भी आपका से पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एच परसेंटेज ओ एट द रेट पी परसेंटेज जे, ठीक है। अब हमको देखना क्या है कि पूछ कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, ठीक है। पहले वाले में तो फर्स्ट एंड लास्ट से मेरा पूछ रहा था, तो अब मेरा पूरा ड्रॉ करना पड़ा था फिगर, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक सब लोग आते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, रिलेशन हमको ढूंढना भैया जे और पी में, अदर हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका जे और पी में आपका रिलेशन ढूंढना है, तो हमको क्या करेंगे, सिर्फ हमको जे और पी से ही मतलब रहेगा, और किसी से मतलब रखने का कोशिश ना करें, अन्यथा आपका टाइम बर्बाद है, ठीक है। टाइम को बचाइए कैसे, अब देखिए क्या है कि हमको बस यही सिंबल से मतलब है भैया, हमको बस इसी सिंबल से मतलब है, इसी सिंबल से मतलब है। तो क्या करेंगे यहाँ कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे पी परसेंटेज क्यू रख देंगे, तो पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब पी इज द वाइफ ऑफ जे, वाइफ ऑफ जे यहाँ पे वाइफ और ये हस्बैंड, कोई मेरी पत्नी हो जाएगी तो हम उसके पति होंगे ही ना, ठीक है। सेम कंडीशन है आपका कि पी जो है वो वाइफ है जे की, तो जे उसका क्या हो जाएगा पति। तो क्वेश्चन बोला जे इज रिलेटेड टू पी वाई, तो हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, तो आपका जे जो है वो पी का क्या लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है, आंसर क्या हो जाएगा हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है कि इफ इफ ए एट द रेट एफ स्टार सी एंड जी डॉलर बी एस डी, ये आपका है। अगर ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट दिया गया है आपका सही है, तो ए इज अनमैरिड, ए जो है आपका अनमैरिड है, अविवाहित है, उसका कोई शादी विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। ए इज अनमैरिड, देन हाउ विल डी इज रिलेटेड टू ए, मतलब डी इज रिलेटेड टू ए, आपका ए से डी का क्या संबंध है, यही पूछ है। तो फर्स्ट एंड लास्ट पूछ रहा, तो हम लोग को पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, और ए आपका अनमैरिड है। उठाते हैं क्वेश्चन सब लोग वैसे ही जैसे कि पहला वाला 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे एट द रेट देखेंगे, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा स्पीड आना चाहिए क्वेश्चंस में। एट द रेट का मतलब होता है पी इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, मतलब ए इज द चाइल्ड ऑफ एफ, है ना, ए इज द चाइल्ड ऑफ एफ, तो एफ के चाइल्ड यहाँ पे ए हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आते हैं हम लोग सिंबल पे, स्टार का मतलब क्या, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब एफ इज द हस्बैंड ऑफ सी,
तो एफ इज द हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वाले इस पे आते हैं। एंड का मतलब क्या है कि क्यू इज ओनली सन ऑफ पी, मतलब जी इज ओनली सन ऑफ सन इन लॉ ऑफ सी, है ना। जी इज ओनली सन इन लॉ ऑफ सी, मतलब जी की कोई ना कोई यहाँ पुत्री होने वाली है, और इसका सन इन लॉ क्या होगा आपका, क्यू इज ओनली सन इन लॉ ऑफ पी, ये यहाँ पे सन इन लॉ, ठीक। कंफर्म पी एंड क्यू का मतलब यहाँ है कि Q is the only son-in-law of P, है ना, यहाँ पे तो G is the only son-in-law of C हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। इस सिंबल में मतलब खत्म हुआ। डॉलर वाले पे आते, डॉलर वाला क्या लिखा है कि P is the parent of Q, P is the parent of Q, P dollar Q का मतलब P is the parent of Q, P जो है वो Q का parent है, तो G जो है वो किसका parent है आपका, B का parent हो जाएगा। अब बी यहाँ पे क्या है भैया, ये तो मेरा कंफर्म नहीं है ना, ये तो मेरा कंफर्म नहीं है, कभी का जेंडर है क्या, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर लास्ट वाले पे आते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं। यहाँ बी हैज डी, मतलब पी हैज क्यू, पी हैज क्यू का मतलब पी इज द सन ऑफ क्यू, है ना, तो बी इज द सन ऑफ डी, बी जो है वो बी का सन है, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो होगा ये सन होगा, और बी जो है वो डी का सन है, यहाँ एक पापा है दूसरी मम्मी तो नहीं ला सकते ना, ठीक है, तो यही मम्मी होगी इसकी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए यह है जो हो गया। अब देखना क्या है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, डी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी भैया यहाँ है और यहाँ पे ए है, तो डी जो है वो ए से पूछ रहा है, तो ए से, तो ए के पास हम खड़े होंगे तो डी मेरी बहन लग जाएगी, लेकिन अगर डी से पूछता तो एक आधा जेंडर क्लियर नहीं है, तब ऐसा डाटा अपर्याप्त हो जाता, लेकिन जहां हम खड़े उसका जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन जहां पूछ रहा है वहां का जेंडर क्लियर है, तो डी इज द सिस्टर ऑफ ए, है ना, एंड ए इज द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ डी, मतलब ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर सिस्टर। आई होप कि समझ में आया होगा, नो डाउट। लिखा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग डिनोट्स एच इज द डॉटर ऑफ ए, मतलब आपका इस चारों में से कौन डिनोट कर रहा है कि एच जो है वो ए की पुत्री है, एच जो है वो किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला वाला स्टेटमेंट दिया गया है क्या, के स्टार बी डॉलर सी एल एच, फिर आपका जी एंड के, जी ये दिया गया है, ठीक। आपका फिर दूसरा वाला क्या दिया गया है, डी डॉलर सी एट द रेट के ए एंड के ए परसेंटेज जी एच एट द रेट जी दिया गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एच इज द डॉटर ऑफ ए, एच जो है वो ए की क्या है, पुत्री है, यही पूछ रहा है, ठीक, ये हो गया। चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया क्या गया है क्वेश्चन में आपका कि तीन आपका स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तीन स्टेटमेंट है और आपका चार दिया गया है ऑप्शन, ठीक है। मतलब आपका लिखा क्या गया है कि बोथ, है ना, वन एंड टू, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, आपका बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ऑल वन टू थ्री, है ना, वन सेकेंड थर्ड, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या ओनली वन आपका में से ही आपका निकल जाएगा, ये हम लोग बता सकते हैं कि एच जो है वो एक ही क्या है, पुत्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च उठाते हैं हम लोग, तो के स्टार बी, है ना, तो स्टार का मतलब क्या है, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब के इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इसकी वाइफ हो जाएगी। बी डॉलर सी, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए डॉलर का मतलब पी इज द पेरेंट ऑफ क्यू, मतलब बी इज द पेरेंट ऑफ सी, ठीक है। एरो का मतलब क्या दिया गया यहाँ पे, जे कहते हैं क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी मदर, मतलब क्यू जो है वो बहन है पी की माँ की, मतलब पी की जो माँ होगी उसकी बहन कौन है,
क्यों? तो पी की क्या लगी, मैटरनल एंड बोल सकते हैं, उसको मासी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि सी जो ये सी एरो एच दिया गया है, तो एच जो है वो क्या है, सी की माँ की बहन हो जाएगी यहाँ, ठीक है। तो ये भी सिस्टर होगी, ये हो गया। फिर आपका जी और के का दिया है, जी और किसका दिया है, के का दिया है, तो जी एंड के लिखा गया। तो एंड का मतलब क्या होगा, क्यू इज यहाँ जी एंड के, जी एंड के लिखा गया है, पी एंड के यहाँ पे लिखेंगे। तो फिर से आपका दिया गया है क्या कि क्यू इज ओनली सन इन लॉ ऑफ पी, है ना, मतलब आपका के इज ओनली सन इन लॉ ऑफ पी, के इज ओनली सन इन लॉ ऑफ जी, के जो है वो ओनली जी का सन इन लॉ है, ठीक है। तो ओनली जी का सन इन लॉ है, तो कंफर्म है ये जी यहाँ, और जी की पुत्री भी होगी, बी का हस्बैंड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है के जो है वो ओनली सन इन लॉ एक ही दामाद है जी का, कंफर्म ये हो गया। तो फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है, आगे पढ़ते हैं। जी स्टार ए, जी स्टार ए का मतलब क्या है, स्टार का मतलब अभी हम लोग देखे थे कि पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हस्बैंड यहाँ ये उसकी वाइफ। तो यहाँ पे आपका एच हो जाएगा, है ना, यही हमको प्रूफ करना था ना कि आपका एच जो है वो ए की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब आप पूछिएगा कि सर जो के है, ये जो आपका के है वो जी का इकलौता दामाद कैसे हो सकता है, ये तो एच की भी शादी होगी, तो इसका भी जो हस्बैंड आएगा वो भी दामाद होगा आपका, सन इन लॉ होगा, तो वो भी तो नहीं लगा सकते इसमें। लेकिन ये अनमैरिड है भी, जब होगी तब, अभी तो है नहीं, ठीक है ही नहीं अभी, जब होगी तो लगा देखा जाएगा, तब लगाया जाएगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो पहला वाला से तो प्रूफ हो रहा है, अब पहला वाला से जैसे ही प्रूफ हो रहा है छोटा सा ट्रिक देखेंगे भैया कि पहला वाला कौन कौन से ऑप्शन में है। तो पहला वाला तो पहला तीसरा और चौथा ऑप्शन में है, पांचवें में भी है कन्फर्म, लेकिन दूसरा वाला में नहीं, या यही ना आपका ऑप्शन दिया गया है, ये आपका वन एंड टू, बी आपका दिया गया है टू एंड थ्री, सी आपका दिया गया वन एंड थ्री, डी आपका दिया गया है क्या वन एंड टू एंड थ्री, ये आपका दिया गया है ओनली वन, ओनली वन तो प्रूफ हो रहा है, ठीक है, ओनली वन प्रूफ हो रहा है। जब मेरा पहला वाला ही प्रूफ हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोग ये तो ऐसे भी नहीं होने वाला है, और अगर फर्स्ट और सेकेंड होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं देता, ये वाला ऑप्शन ही नहीं देता, लिखता क्या कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपका वन एंड टू यहाँ लिखा गया, और फर्स्ट केवल फर्स्ट से आंसर आ रहा है, तो ओनली सेकंड से भी आंसर आना चाहिए, दोनों को मिलाकर कोई जरूरत है नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ओनली फर्स्ट। फिर में क्या लिखा है कि इफ बी एंड ए, इफ बी एंड ए, ठीक है, सी एट द रेट के स्टार बी, बी हैज बी इज ट्रू, देन How will C related to A? C be related to A? ऐसे C आपको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका C और A, यहाँ पे C आपका, यहाँ पे A कंफर्म, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन टर्म ढूंढ के दोनों को टाई करते हैं। B एंड A का मतलब क्या है, B एंड A का फिर से वही मतलब है कि बार वाला जो है वो पहले वाले का एकमात्र दामाद है, तो पहले वाले का एकमात्र दामाद है, उसकी बेटी होगी और यहाँ पे ए होगा, कंफर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, सी और के का लिख रहा है, तो सी एट द रेट के, सी एट द रेट के का मतलब क्या हो जाता है कि पी इज द चाइल्ड ऑफ क्यू, मतलब सी इज द चाइल्ड ऑफ के, है ना, सी इज द चाइल्ड ऑफ क्या हो जाएगा के। तीसरा वाला के और बी के बारे में लिखा है, के और बी के बारे में लिखा, के स्टार बी, स्टार का मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, मतलब के इज द हस्बैंड ऑफ बी, जब के इज द हस्बैंड ऑफ बी हो जाएगा, के इज द हस्बैंड ऑफ बी हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और के का ये चाइल्ड है, तो पॉसिबिलिटी है कि सी यहाँ भी हो सकता है,
हो सकता है सी यहाँ भी, हम लोग खुद के मन से तो सी यहाँ नहीं बिठा सकते है ना। हम लोग खुद के मन से तो सी यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, ठीक है, हम लोग खुद के मन से यहाँ पे सी नहीं बिठा सकते ना यहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो हमको देखो ना यहाँ ए और सी से ही मतलब है ना, तो हमको सिर्फ ए और सी से मतलब और किसी से मतलब हमको है नहीं। ए यहाँ है आपका, सी यहाँ है, सी यहाँ है, दोनों जगह में से कंफर्म सी बताए नहीं, और आगे भी सी का चर्चा नहीं है कि हम लोग जेंडर क्लियर कर सके यहाँ पे, ठीक है। तो आगे भी आपका चर्चा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहीं से फाइंड आउट करना है हमको। हम यहाँ खड़े, अगर यहाँ तो ये मेरी वाइफ है, अगर यहाँ है तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो या तो वाइफ होगी या तो आपका सिस्टर इन लॉ, अगर ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन में है कि सिस्टर इन लॉ और वाइफ तो लगाइए, अगर अलग अलग है तो आंसर क्या होगा, डी आई लगाइए। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लिखा क्या क्या है, लिखा गया है कि ए फैमिली ऑफ थ्री जनरेशन हैज 10 मेंबर इन इट, मतलब एक फैमिली में तीन जनरेशन है उसमें आपका 10 लोग हैं, ठीक है। हाउ इज चारू रिलेटेड टू आयशा, हाउ इज चारू रिलेटेड टू आयशा। देखो इस डीएस का एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, एकदम देखते पता चलेगा, बट सारे क्वेश्चन गारंटी नहीं ले सकते, कुछ कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होता है कि उसको देखते और आंसर पता चलता है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है आपका कि चारू है और ऐसा है, चारू है और कौन सी है आपका, एक आपकी ऐसा है, ठीक है। हमको देखना है कि चारू और ऐसा का रिलेशन एक ही आपका स्टेटमेंट में होगा तो पता चलेगा, है ना। अगर मान लो कि फर्स्ट वाले में दोनों आपका नाम मेंशन किया गया है तो पता आपका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड वाले में नाम मेंशन किया गया है तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाले में क्या देखो कि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि सिर्फ आपका चारू का चर्चा किया गया, फर्स्ट वाले में सिर्फ किसका चर्चा किया गया, चारू का चर्चा किया गया है, और सेकंड वाले में क्या किया गया है, आयशा का चर्चा किया गया है, ठीक है। तो पहले वाले में आयशा का चर्चा नहीं है और दूसरे वाले में चारू का चर्चा नहीं है, तो हाफ इंफॉर्मेशन पहले वाले से करेक्ट हुआ, हाफ आपका दूसरे वाले से करेक्ट हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे ही हम पास बना सकते हैं। आइए इसको प्रूफ करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट वाले में आपका यहाँ पे कि अपर्णा इज हर्ष वाइफ, है ना, हर्ष की पत्नी है, हर्ष की पत्नी है, अपर्णा, ठीक है, एंड दे हैव ए डॉटर द्युति, द्युति उसकी डॉटर है, ठीक है। चलिए, चारू इज ए कजन ऑफ लोचन, है ना, चारू जो है वो लोचन का कजन है, ठीक है। द्युति इज मैरिड टू अरविंद, द्युति जो है वो अरविंद से मैरिड है, एंड दे हैव ए चाइल्ड लोचन, और उसका चाइल्ड कौन है, लोचन है। अब हमको यहाँ ये देखना है कि ये तो फर्स्ट वाला क्लियर हो गया, और लोचन जो है वो चारू का कजन होगा, है ना, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो पहला वाला तो निकला नहीं भैया, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, अनन्या इज द डॉटर इन लॉ ऑफ हर्ष, अनन्या जो है वो हर्ष की डॉटर इन लॉ है, अनन्या जो है वो क्या है, हर्ष की डॉटर इन लॉ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में टैग करते हैं, क्योंकि हर्ष मिल ही गया है हमको, है ना, अनन्या जो है वो हर्ष की क्या है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। साहिल इज द ब्रदर ऑफ लोचन, साहिल जो है लोचन का भाई है। आयशा इज ओनली वन डॉटर ऑफ अनन्या एंड सौरभ, आयशा जो है वो केवल एक ही डॉटर है अनन्या और सौरभ की, ठीक है।
तो अनन्या यहाँ है तो सौरभ यहाँ होगा, तो ऐसा यहाँ हो जाएगी कंफर्म। ये जब हो जाएगा फिर क्वेश्चन में लिखा क्या, ऊपर वाले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में एक चीज छूट गया था, उसमें फिगर नहीं बना पाए थे, चारू इज कजन ऑफ लोचन, लोचन का कजन होगा मतलब क्या होगा, चचेरा ममेरा फुफेरा भाई या बहन, तो कंफर्म यही पे होने वाला है चारू, चारू आपका यहाँ होगा है ना। तो देखो कजन लगा, तो कजन जैसे ही लगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फाइव, फर्स्ट वाले से हाफ इंफॉर्मेशन, सेकंड वाले से हाफ इंफॉर्मेशन आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 एथलीट आर लाइंड अप फॉर ए मैराथन, प्रियंका अनुष्का फतेही उर्वशी एंड कैटरीना एंड फाइव फ्रेंड्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेस, हाउ मेनी एथलीट आर देयर बिटवीन अनुष्का एंड उर्वशी। ठीक है, इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टीएनएस बोलते हैं इसको, 36 है। पहला वाला क्या बोला हम लोग देख लेते हैं, देयर आर एट एथलीट बिटवीन अनुष्का एंड कैटरीना है ना, तो अनुष्का एंड कैटरीना के बीच में आठ एथलीट हैं, पहला इंफॉर्मेशन मिला, एंड 16 एथलीट बिटवीन फतेही एंड उर्वशी, फतेही एंड उर्वशी 16, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कैटरीना इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, कैटरीना जो है वो लेफ्ट से आपका कितना है 15 है, तो कैटरीना जो है वो लेफ्ट से 15 है, कैटरीना आपकी लेफ्ट से कितना है 15 है। ये हो गया, तो इस वाले में अनुष्का और उर्वशी का तो पता नहीं चल रहा है कोई भी टर्म, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग क्या देखेंगे कि अनुष्का इज नॉट स्टैंडिंग राइट ऑफ प्रियंका, अब प्रियंका जहां होगी यहां पे प्रियंका जिसके राइट में जो है अनुष्का यहां पे स्टैंड नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद लिखा फतेही इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, फतेही जो है तो आपका लेफ्ट से कितना है 11th है, अब ये फतेही जो है आपका लेफ्ट से आपका 11th है, ठीक है। एंड प्रियंका इज 16 फ्रॉम द राइट, और आपकी जो प्रियंका है वो आपकी क्या है 16 फ्रॉम द राइट है। अब थोड़ा सोच के देखो कि ये भी लेफ्ट से 11 है, ये भी लेफ्ट से 15 है, दोनों कॉम्बाइंड होगा क्योंकि सब तो एक ही लाइन पे बैठे हुए हैं, जैसे ही एक लाइन पे बैठेंगे तो ये यहाँ पे हम लोग करते हैं कि इसके 11th पोजीशन करते हैं फतेही का, ठीक है। 11 हो गया, ये 12 13 14 15, मतलब फतेही और कैटरीना के बीच में कितने लोग, 3 लोग। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि प्रियंका जो है वो राइट से है कितने, 16 है, ये राइट हो गया, प्रियंका राइट से कितनी है 16 है, ठीक है। अब जब ये 16 है, ठीक है, जब ये 16 है तो फिर ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या दिया गया था, यहाँ पे 16 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपका कितना है 36, सब कुछ हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि यहाँ रैंक फ्रॉम बोथ साइड -1 है ना, और उसमें क्या है आपका किसी भी एक व्यक्ति का रैंक जो है दोनों साइड से पता होना चाहिए, या तो लेफ्ट राइट से या फिर टॉप या बॉटम से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दोनों का ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकलता है, हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे 15 और 16, ये 15 और 16 कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 2 3 31 हो जाएगा। अब जब 31 हो जाएगा यहाँ पे तो 31 जैसे ही होगा और मेरा टोटल कितना है 36 है, तो 36 में से आपका 31 जाएगा तो बचेगा कितना 5 1 2 3 4 5 लोग बीच में, यहाँ से यहाँ तक आपके हो गए 36 लोग, ठीक है। 36 लोग जैसे ही हो गए हैं तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अनुष्का कैटरीना के क्या है, अनुष्का कैटरीना के बीच में 8 लोग हैं और अनुष्का प्रियंका के
दाएं में नहीं है। तो मान लो कि अनुष्का और कैटरीना के बीच में 8 लोग हैं, तो यहाँ कैटरीना 15 पे है, तो कैटरीना के लेफ्ट में भी अनुष्का हो सकती है और कैटरीना के राइट में भी अनुष्का हो सकती है। राइट में देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 के लेफ्ट में तो अनुष्का जा ही नहीं सकती है, ठीक है। हम लोग लेफ्ट में कर लेंगे स्क्वायर इज 1, बीच में 8 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आपकी अनुष्का हो गई, ठीक। ये अनुष्का हो गई आपकी, कैटरीना अनुष्का के बीच में 8 लोग, फतेही और उर्वशी के बीच में कितने लोग, फतेही और उर्वशी के बीच में आपके 16 लोग हैं। तो फतेही और उर्वशी के बीच में 16 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, उर्वशी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था भैया, क्वेश्चन में पूछा था क्या, हाउ मेनी एथलीट आर देयर बिटवीन अनुष्का एंड उर्वशी। तो अनुष्का यहाँ, उर्वशी यहाँ, काउंट कर लीजिए कितना होगा, ठीक है, एकदम आराम से बनाने वाला क्वेश्चन, थोड़ा भी हड़बड़ाइएगा मत। तो स्टार्टिंग में जब एक क्वेश्चन को दो बार बना लीजिएगा तो फिर आप स्पीड में बना सकते हैं। चलिए डिलीट करते हैं, काउंट कर लीजिए, आंसर आपका दोनों से आएगा और आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि ना तो पहला वाला स्टेटमेंट अकेले सेटिस्फाइड कर रहा है, ना तो आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट अकेले सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, दोनों का हाथ ऑफ इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, सम पीपल आर सिटिंग इन अ फेसिंग नॉर्थ, सम पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अ नॉर्थ, ठीक है, मतलब नॉर्थ की ओर फेस करके कुछ लोग बैठे हैं। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, क्वेश्चंस में आपका देखेंगे क्या क्या आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट आपका बोल रहा है क्या कि जी इज सिक्स फ्रॉम द वन एंड, मतलब जी जो है आपका सिक्स है, छठा है किसी भी एंड से, या तो वो लेफ्ट से हो सकता है या तो फिर वो राइट से हो सकता है। फिर लिखा है क्या कि सी इज फिफ्थ फ्रॉम द वन एंड, मतलब सी जो है आपका फिफ्थ है फ्रॉम वन एंड, मतलब किसी भी साइड से आपका, ये भी आपका लेफ्ट से हो सकता है और आपका राइट से हो सकता है। चलो ठीक है, तो आपका जी जो है वो आपका छठा है किसी भी एंड से, आपका सी जो है वो पांचवा है किसी भी एंड से, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन में लिखा है कि ई एंड बी हैव फोर, है ना, पीपल बिटवीन देम, मतलब ई और बी के बीच में कितने हैं आपका, 4 लोग हैं, ई और बी के बीच में आपका 4 लोग दिया गया है। तो यहाँ भी ई हो सकता है और यहाँ भी आपका, तो दो मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो मेरा स्टेटमेंट के हिसाब से मिल गया। अब दूसरा क्या है कि हम लोग नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट पे चलेंगे। पहला स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है कि बी एंड सी हैव 5 पीपल बिटवीन देम, है ना, बी और सी के बीच में कितने हैं, 5 पीपल है बी और सी के बीच में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये कंफर्म है कि किसी भी एंड से जो है वो सी पांचवा होगा, ठीक है। चलिए फिर आपका दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है कि सी एंड ई आर नॉट एडजेसेंट, मतलब दूसरा पॉइंट बोल रहा है क्या कि सी और ई जो है वो एक दूसरा का एडजेसेंट नहीं है, मतलब आपका इमीडिएट नेबर नहीं होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका क्या बोल रहा है कि ए एंड सी हैव 4 पीपल बिटवीन देम, है ना, उसके बाद सॉरी बी इज 6 टू द राइट ऑफ ए, डी जो है वो ए के छठे राइट में है, डी जो है वो ए के छठे राइट में, तीसरा वाला पॉइंट मिला। चौथा वाला पॉइंट क्या मिला यहाँ पे हमको, फोर्थ वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे, सी और डी के बीच में 2 लोग हैं, तो सी और डी के बीच में आपका कितने लोग हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे। पांचवा वाला पॉइंट क्या मिला कि ए और जी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और ए और जी के बीच में 4 लोग। ये 4 पॉइंट मिला और पहले से हमको 2-3 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते, देखते हैं ये वाला फिगर पे कैसे इसका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सी जैसे सी और बी के बीच में 1 2 3 4 5 होगा, तो सी कभी भी लेफ्ट में नहीं हो सकता, कंफर्म है ना, ये हो जाएगा। और सी किसी भी एंड से आपका पांचवा है, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पांचवा है ना, सी यहाँ हो जाएगा, तो सी के उधर तो कभी भी होने वाला है नहीं, क्योंकि 5 लोग बीच में होंगे नहीं सी और बी के बीच में। हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे बी कर देंगे, कंफर्म
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रूफ क्या मिला हमको यहाँ पे कि एक एक फिगर तो ये लेंगे, दूसरा फिगर क्या लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सी यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या लेंगे बी ले लेंगे। हमको पता है कि ये आपका इमीडिएट नेवर नहीं होने वाला है सी का, ठीक है। उसके बाद जब ये नहीं होगा सी और डी का इमीडिएट नेवर नहीं होगा, और सी और डी के बीच में कितने लोग हैं आपका 2 लोग हैं, सी और डी के बीच में आपका क्या है 2 लोग हैं, तो या तो आपका 2 लोग गैप करके डी यहाँ हो सकता है, या तो 2 लोग गैप करके आपका डी यहाँ हो सकता है, हो सकता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है सी और डी के बीच में 2 लोग हैं और ए के दाहिने छठे स्थान पे कौन बैठा है आपका डी बैठा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करेंगे डी यहाँ अगर फिक्स मानते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे तो यहाँ ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तो कभी ए हो नहीं सकता, यहाँ कभी ए नहीं हो सकता, तो डी भी यहाँ नहीं होगा, मतलब हम डी को क्या कर सकते हैं आपका यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे ही डी को यहाँ रखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ए यहाँ मेरा क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ फिक्स होगा तो ए जो है वो जी जो है वो ए ए और जी के बीच में कितने लोग हैं देखो तो 4 लोग है ना, ए और जी के बीच में 4 लोग, 1 2 3 4 तो यहाँ जी हो सकता है। अगर यहाँ जी हो जाएगा तो स्टेटमेंट के अनुसार चलेंगे डी जो है किसी भी से क्या हो जाएगा छठा होगा, 1 2 3 4 5 6 ये छठा तो हो रहा है, सी और डी इमीडिएट नेवर नहीं है, जितना कंफर्म है। फिर ए और जी की ये भी सेटिस्फाइड हो गया, ये भी सेटिस्फाइड हो गया आपका, ये भी हो रहा है सी और डी का ये जो है आपका इमीडिएट नेवर नहीं होने वाला है। तो लोग क्या करेंगे बी और ई के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, लेकिन ई तो यहाँ होना है ही नहीं, ई वहां होना है क्या कभी भी नहीं हो सकता है। अगर हम ए के लेफ्ट साइड में ई को लाएंगे 1 2 3 4 यहाँ 4 लोग, तो फिर जी का प्लेस जो है किसी भी एंड से 6 होगा क्या कभी नहीं होने वाला है। तो ये पहला वाला मेरा फिगर क्या हो गया गलत हो गया। सेम कंडीशन यहाँ है, अगर यहाँ सेम कंडीशन है तो यहाँ भी हम लोग 2 लोग याद करके डी लिखेंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ भी 2 लोग याद करके डी लिखेंगे, तब क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तो फिर ए आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, ए आपका वहां भी नहीं बैठ सकता है, कंफर्म तो आपका डी यहाँ बैठेगा। सेम वही कंडीशन होने वाला है, सेम वही कंडीशन होगा दोनों में, क्योंकि स्टेटमेंट तो आपका सेम ही ना है, है ना, आपका स्टेटमेंट आपका सेम ही है। तो फिर सी को इधर से लो तो जी को उस साइड से लेना पड़ेगा, अगर जी को उस साइड से लोगे तो ए आएगा नहीं आएगा, और जब ए आएगा तो यहाँ ए जो है वो ई का ई जो है वो सी का इमीडिएट नेवर नहीं होगा। फिर क्या होगा कि ए के राइट साइड में ई जाएगा, जब ई जाएगा तो जी का प्लेस फिर से किसी बिंदु से 6 नहीं होगा। तो ये मेरा पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलो दूसरे वाले स्टेटमेंट पे हम लोग गौर करते हैं। दूसरा वाला क्या स्टेटमेंट लिखा है क्या कि F is the A to the right of B। पहला क्या लिखा है F is the A to the right of B, B के A to the right में क्या है, B के A to the right में क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 F हो जाएगा। दूसरा मेरा यहाँ पे क्या लिख रहा है, दूसरा मेरा लिख रहा है क्या कि F and C have two people between them, F और C के बीच में आपका 2 लोग हैं, F और C के बीच में आपका कितने लोग हैं 2 लोग। चलिए ये भी कंफर्म कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि G is sitting towards right, G is sitting क्या है towards right, G जो है आपका B के राइट में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। चौथा वाला क्या दिया है कि द नंबर ऑफ पीपल जी एंड ई, मतलब जितने आपका पीपल जी और ई के बीच में होंगे है ना, उतना ही नंबर ऑफ पीपल आपका ई और एफ के बीच में होंगे, है ना, जितना नंबर ऑफ पीपल आपका जी और ई के बीच में होगा उतना ही नंबर ऑफ पीपल आपका क्या होगा ई और एफ के बीच में होगा। ये सारा कंडीशन दे दिया तो मेरे पास 1 2 3 इंफॉर्मेशन पहले का है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, बाकी वाले 4 5 6 7 इंफॉर्मेशन हो गया मेरे पास। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये पहला वाला ये दूसरा वाला दो हम लोग फिगर ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी को एक इंच से लेंगे, हम लोग जी को एक इंच से लेते हैं 1 2 3 4 5
ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हम एक एंड से ले लेंगे यहाँ पर सी को, तो ये पांचवा हो जाएगा, ठीक है। अब एफ और सी में कितने लोग हैं आपका, दो लोग हैं। एफ और सी में आपका दो लोग हैं, तो या तो एक दो करके यहाँ पे एफ ले लो, या फिर 1 2 3 4 5 सी यहाँ ले लो, दो लोग एफ करके आपका एफ ले लो यहाँ। और जैसे ही आपका एफ फिक्स हो जाएगा, जैसे ही आपका एफ फिक्स हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ही आपका एफ फिक्स होगा, तो एफ जो है वो बी के 8 टू द राइट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टू द राइट हो गया आपका। और जैसे यहाँ रहेगा 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ पे हो गया। दोनों पॉसिबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में और क्या लिखा है कि जब भी होगा जी तो वो बी के क्या होगा, राइट साइड ही होने वाला है। जब भी आपका जी होगा तो वो क्या होने वाला है, बी के राइट साइड ही होगा। और जी और ई के बीच में कितने लोग हैं यहाँ पे, जी और ई के बीच में उतने ही लोग हैं जितने कि आपका ई और एफ के बीच में लोग हैं। और जी किसी भी प्लेस से आपका क्या है, आपका छठे स्थान पे है। जी आपका किसी भी प्लेस से क्या है, छठे स्थान पे है। बी और ई के बीच में कितने लोग हैं, चार लोग हैं। बी और ई के बीच में आपका चार लोग होंगे कन्फर्म, जब बी यहाँ है, ठीक है। जब बी यहाँ पे है तो चार लोग हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे चार लोग जैसे ही होना है तो एक मेरा पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 यहाँ पे ई हो सकता है, ठीक है। और बी और ई के बीच में चार लोग हो रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे नहीं होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पे ई हो सकता है। मेरे पास दोनों फिगर का पॉसिबिलिटी हो गया आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका और क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद जितने लोग आपका ई और एफ के बीच में उतना ही लोग आपका जी और ई के बीच में, ठीक है। यहाँ ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं आपका, ई और एफ के बीच में कितने लोग हैं आपका, दो लोग हैं। उतने ही लोग आपका हो जाएंगे जी और ई के बीच में, तो दो लोग यहाँ तो दो लोग एफ करके जी यहाँ हो जाएगा, कंफर्म जी यहाँ होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ई और एफ के बीच में काफी ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ आपका फिर इधर भी क्या हो जाएगा आपका, उतना ही लोग आपका जी और ई के बीच में भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जी और ई के बीच में भी होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है कि जी जब भी होगा तो बी के राइट साइड ही होने वाला है, बी के क्या होगा, राइट साइड ही होगा। अगर हम लोग इधर जी को तो ले नहीं सकते है ना, क्योंकि ई और एफ के बीच में ज्यादा लोग और उतना ही लोग, मान लो ई और एफ के बीच में 8 लोग होंगे आपका, यहाँ पे ई और एफ के बीच में, तो हमको जी और ई के बीच में भी 8 लोग चाहिए। लेकिन 8 लोग तो यहाँ बीच में रखेंगे तो फिर कवर नहीं हो पाएगा ना, रखना तो पड़ेगा हमको इधर ही। और जैसे ही इधर रखेंगे तो ये बी का लेफ्ट साइड हो जाएगा, हमको चाहिए क्या, बी के राइट साइड में। ये वाला फिगर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और इधर से आपका जी का प्लेस क्या है, एक साइड से आपका छठा है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गया आपका। टोटल आपका आदमी भी काउंट कर लेते कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लोग बैठे हैं। चलिए तो स्टेटमेंट आपका 2 क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। पहला वाला क्या क्वेश्चन, ये तो हो गया ना। चलिए तो स्टेटमेंट आपका 2 से ही अरेंज हो जाएगा, समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि फैमिली 12 मेंबर, मतलब एक फैमिली में आपके 12 मेंबर है ना। मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ की इज ऑल्सो टीज ग्रैंडफादर है ना, मतलब मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के कोई आपके नाना जी है। मैटरनल ग्रैंडफादर कहने का मतलब होता है नाना जी, या फिर एम मैटरनल सॉरी एम डॉट ग्रैंडफादर है या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर है, दोनों का बात बराबर होता है आपका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे के है ना, तो के जो नाना जी है मतलब पक्का इनकी कोई ना कोई माँ होगी, पक्का इनकी क्या होगी, कोई ना कोई माँ होगी, इनके फिर पिताजी होंगे जो के नाना जी लगेंगे, ठीक है। इज ऑल्सो टीज ग्रैंडफादर, मतलब वो ऑल्सो क्या है, वो टी के दादाजी है। जब मैटरनल नहीं दिया है नाना जी का तो पैटर्नल खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ग्रैंडफादर इसका दादाजी ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पक्का इनका कोई ना कोई भाई होगा और इनका बेटा पुत्र या पुत्री होने वाला है, मतलब के जो नाना जी है वो टी के दादाजी नहीं है, कन्फर्म होने वाला है, यहाँ पे कन्फर्म हो गया, ठीक है। चलिए क्योंकि जो माँ है वो एम की दादी माँ है, एक बार और क्या बोला है यहाँ पे कि क्यू की जो माँ है, क्यू की जो माँ है
तो एम की क्या है, दादी माँ है, मतलब कंफर्म ये एम यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ भी हो सकता है, मतलब क्यों यहाँ मेल होगा तो एम की दादी माँ लगेगी, अगर क्यों यहाँ फीमेल होंगे यहाँ पे तो मैटरनल ग्रैंड मदर लगेंगे, तब मैटरनल ग्रैंड मदर हो जाएंगे तो फिर यहाँ एम आ जाएगा और यहाँ एम इसलिए आएगा क्योंकि ये क्यू का भाई है, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन आपका लिखा है कि एफ इज मैरिड टू बी, एफ जो है वो बी से मैरिड है, ठीक है, एफ जो है वो आपका किससे मैरिड है, बी से मैरिड है एंड जी इज द फादर ऑफ आर, और जी जो है जी इज द इंफॉर्मेशन हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, जी इज द फादर ऑफ आर है ना, के इज फादर यू है ना, के पिताजी क्या है यू है, के पिताजी जैसे ही यू होंगे, के पिताजी जैसे ही यू होंगे तो के की तो माँ यहाँ है और के पिताजी क्या हो जाएंगे यहाँ पे यू, ठीक है। इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्या हो जाएंगे एफ, और जैसे ही ब्रदर इन लॉ बोला कन्फर्म हम यहाँ करेंगे मेरी पत्नी पत्नी का भाई मेरा ब्रदर इन लॉ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ जैसे ही यहाँ बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी बहन, बहन का हस्बैंड यहाँ पे यू, और जैसे ही यू यहाँ होगा यहाँ क्या हो जाएगा के, इसका मेल फीमेल क्लियर नहीं है, ठीक है, इतना कन्फर्म तो ये मेल तो ये फीमेल कन्फर्म, ठीक है, इतना एडजस्ट हो गया आपका। उसके बाद लिखा है क्या कि के हो गया ना, के वाला के फादर यू इज आल्सो ब्रदर इन लॉ ऑफ एफ, मतलब एफ के ब्रदर इन लॉ कन्फर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, एफ के ब्रदर इन लॉ कन्फर्म हो रहा है। डी इज मैरिड टू एफ मदर, डी जो है वो एफ की माँ से विवाहित है, डी जो है वो एफ की माँ से विवाहित है, मतलब एफ की माँ से विवाहित है कौन, डी एफ की कोई ना कोई माँ होगी और डी विवाहित है एफ की माँ से, मतलब पक्का एफ के पिताजी होने वाले हैं, और जैसे ही एफ के पिताजी होंगे तो ये यहाँ जो एक फीमेल है उनके भी पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा क्वेश्चंस में कि के इज ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, के जो है ओनली चाइल्ड ऑफ क्यू, मतलब यू तो पहले से है और क्यू आपका आ गया, चलिए ये भी कंफर्म हो गया, जब भी बैठेगा तो क्वेश्चन में बोल रहा भाई लिख रहा, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि एम एंड एफ आर मेल मेंबर, एम एंड एफ आर मेल मेंबर, ये भी बता दिया कि एम एंड एफ आर मेल मेंबर, मतलब एम ही आपका क्या है मेल, ठीक है। सच ए वे दैट एफ फादर इज ग्रैंडफादर ऑफ टी, मतलब एफ के जो पिताजी हैं वो टी के क्या है ग्रैंडफादर, मतलब कंफर्म ये टी यहाँ पे होने वाला है, और टी यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहाँ भी इसका अलग से मेंशन कर चुके हैं, के नाना जी जो होंगे वो टी के दादाजी होंगे, मतलब पक्का के की माँ का भाई का बेटा होगा ये, इसलिए इसके दादाजी क्योंकि माँ लग जा रही है, और क्योंकि माँ यहाँ पे क्योंकि पिताजी यहाँ पे एडजस्ट हो गए, जैसे ही क्योंकि पिताजी एडजस्ट हो गए तो के नाना जी लगे क्योंकि इसके बीच में माँ है ना, और यहाँ पे टी के दादाजी इसलिए लगेंगे क्योंकि यहाँ हम खड़े हैं, मेरे पिताजी पिताजी के पिताजी मेरे दादाजी लगेंगे कन्फर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखा है कि एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एच ओनली सन है ना, एफ जो है वो केवल एफ जो है ब्रदर इन लॉ है किसका, एच का ओनली वन सन, मतलब एच का कोई बेटा है उसका एफ ब्रदर इन लॉ होगा, भैया इधर का तो रिलेशन खत्म हो गया है ना, इधर तो कभी एच हो ही नहीं सकता है, ठीक है, और एफ की भी शादी हो चुकी है, जब एफ की भी शादी हो चुकी है तो इसका कोई ना कोई भाई होगा जो किसका बेटा होगा, क्या लिखा एच का, एच का बेटा होगा, तो एफ का ऐसा साला जो एच का एक लौता पुत्र है, ठीक है, ये हो गया। चलिए जी इज द फादर ऑफ एम स्मॉलर, जी जो है वो एम की माँ का, ठीक है, हाँ जी इज द फादर ऑफ एम्स मदर, मतलब एम की माँ के पिताजी हैं जी, एम के माँ के पिताजी हैं कौन, जी हैं, तो यहाँ पे कंफर्म ये एम भी तो हो ही चुका है ना, क्यू का ये भतीजा लगेगा, तो क्यू का भतीजा लगेगा तो ये बी का भाई लगेगा, ठीक है, तो एम की माँ कौन हो जाएगी बी, और बी के पिताजी कौन हो जाएंगे जी, ठीक है, यहाँ बी के पिताजी जी हो जाएंगे, ठीक है।
F is the father of T, confirm कर दिया कि F is the father of T, यहाँ भी confirm कर दिया, and having only one sibling, मतलब एक ही आपका सगा भाई बहन है, ठीक है, ये भाई या बहन है पता नहीं मुझे, ठीक है, चलिए, C is married female member and only four married couples, C is married female member, C जो है वो married female member है, तो जगह भी मेरा तो female member नहीं खाली है यहाँ, है ना, और चार couple हैं, ये पहले couple दूसरा, तीसरा और ये चौथा कपल युक्ति में हो जाएगा, ठीक है? चलो, ये हो गया। इसमें से आपका जेंडर क्लियर नहीं है, टी और ए का। हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। In it is given that every child has either both or none parents are alive. छोटी नंबर क्वेश्चन है कि how is you related to B? How is you related to B बोला है, मतलब B से जो है यू कैसे है, तो यहाँ बी है, यहाँ पे यू है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरे हस्बैंड, हस्बैंड की बहन, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड मेरे ब्रदर इन लॉ, है ना, हाउ इज यू रिलेटेड टू बी, है ना, हाउ इज यू रिलेटेड टू बी, अच्छा यू बी से कैसे रिलेटेड है, सही तो है, तो ये सही हो जाएगा, हाउ इज यू रिलेटेड टू बी, तो बी से कैसे रिलेटेड है, हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरा हस्बैंड, हस्बैंड की बहन, मेरे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड मेरे क्या ब्रदर इन लॉ, इसमें ब्रदर इन लॉ आंसर नहीं है, इसका आंसर होगा ई, 14 का आंसर हो जाएगा ई, मतलब नाम ऑफ दीज, है ना, अगर जेंडर क्लियर नहीं रहता तो आंसर डी आई लगाते, अगर यू से पूछा जाता तब ये सिस्टर इन लॉ होती, तब ये सिस्टर इन लॉ होती, ठीक है, इसलिए बी से पूछा गया है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर ब्रदर इन लॉ होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ इज के रिलेटेड टू बी, के जो है की रिलेटेड टू बी क्या होगा, भैया जेंडर क्लियर नहीं है, बी से पूछ रहा है, हम यहाँ खड़ा में आएंगे, या तो क्या, या तो फिर मिस या नेफ्यू कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एम, क्यू जो है वो एम से कैसे रिलेटेड होता है, हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पिताजी, पिताजी की बहन, मेरी बुआ, मतलब क्या हो जाएंगे, आंट, इफ आर इज द फादर ऑफ एल, इफ आर इज द फादर ऑफ एल, मतलब इफ आर इज द फादर ऑफ एल, एल के पिताजी हो जाते कौन, आर, तब बोला कि एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एल, है ना, एल से एफ का क्या रिलेशन होगा, यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे मेरे पापा, फादर, पापा की बहन मेरी बुआ, और ये बुआ के हस्बैंड मेरे क्या हो जाएंगे, उफाजी, मतलब अंकल लगेंगे, क्वेश्चन क्या है कि फोर ऑफ फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन एंड सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन ऑफ वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, मतलब आपका पांच ग्रुप दिया गया है, पांच में से आपका चार एकदम एक प्रकार समान होगा और एक आपका डिफरेंट होगा, उसमें से डिफरेंट होगा, तो बताना कि आपका डिफरेंट कौन सा है, एच बी दिया गया, एच बी देखो, एच यहाँ पे बी यहाँ पे दोनों फीमेल, फिर सी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, दोनों फीमेल, उसके बाद एफ यहाँ पे और एम यहाँ पे, दोनों मेल, ठीक है, फिर आपका बी यहाँ पे और एफ यहाँ पे, दोनों मेल, और एच और एम का पूछ रहा है, तो एच यहाँ पे देखिए फीमेल, एम यहाँ पे मेल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई, एच और एम, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट, सॉरी पजल सेट, हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या है कि एट पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच लिविंग इन ए बिल्डिंग
है ना, विद 8 फ्लोर, मतलब आपका 8 फ्लोर पे सारे लोग रहते हैं। इसमें सबका क्या है कि आपका बॉटम टू टॉप गया, मतलब आपका बॉटम पे 1 आएगा और टॉप वाले पे 8 नंबर फ्लोर आने वाला है। उसमें से क्या लिखा है कि आपका 4 जो है वो आपका इवन नंबर फ्लोर पे रहते हैं, कौन, सिटी वाले, 4 सिटी वाले आपका इवन नंबर फ्लोर पे और 4 सिटी वाले आपका कहां पे रहते हैं, ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर वाला फ्लोर, यहाँ पे आपका इवन नंबर वाला फ्लोर। इवन नंबर वाले फ्लोर पे कौन रह रहे हैं आपका, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद। ऑड नंबर वाले पे कौन रह रहे हैं आपका, जयपुर, ठीक है, पटना, कानपुर और रायपुर। ये आपका चार चार का सीक्वेंस है। सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, है ना, ऐसे कुछ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे, एक फ्लोर टाइप का एक बॉक्स बना लेंगे, है ना, 8 7 6 5 4 3 2 और 1 बॉक्स बना लेंगे। इधर जो पॉइंट नहीं होगा उसको लिखेंगे, यहाँ पे सिटी का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जो जिसका नाम है वो हाइलाइट करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है यहाँ पे कि एस वाज बोर्न इन चेन्नई एंड लिव्ड एट द गैप ऑफ 3rd फ्लोर फ्रॉम द 1 बोर्न इन हैदराबाद, ठीक है, मतलब आप जो ये आपका एच जो है वो चेन्नई में जन्म लिया है और 3 के गैप पे है हैदराबाद वाले से, ठीक है। चलिए, ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, हैदराबाद आपका ऊपर भी हो सकता है, आपका नीचे भी, आपका नीचे भी, हैदराबाद आपका ऊपर भी हो सकता है। चलिए फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ई लिव्ड एट द गैप ऑफ 2 फ्लोर बिलो द 1 बॉर्न इन हैदराबाद, मतलब आपका हैदराबाद से 2 फ्लोर नहीं 2 फ्लोर आपका नीचे रहता है, कौन, ई, है ना, एफ लिव्ड फ्लोर 3rd, एफ यहाँ पर कौन की 3rd पे रह रहा है, ठीक है, वॉज नॉट बॉर्न इन जयपुर और कानपुर, मतलब आपका ना तो जयपुर में बॉर्न करेगा और ना तो आपका कानपुर में जन्म लेने वाला है, ठीक है। द 1 बॉर्न इन दिल्ली लिव्ड ऑन द 2nd फ्लोर, मतलब जो आपका दिल्ली में जन्म ले रहा है वो आपका 2nd वाले फ्लोर पे रह रहा है। ए लिव जस्ट अबव जी, मतलब ए जो है वो जी के ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है, वाज बॉर्न इधर इन रायपुर और कानपुर, वाज बॉर्न इधर, मतलब या तो ये रायपुर में जन्म लेगा या फिर कानपुर में जन्म लेने, दोनों में से कोई जगह आपका जन्म लेने वाला है, ठीक है। द 1 बॉर्न इन पटना जस्ट लिव जस्ट अबव डी, मतलब जो आपका पटना में जन्म लिया है वो आपका डी के ठीक ऊपर रहता है, हू वाज नॉट बॉर्न इन दिल्ली, मतलब डी जो है आपका वो दिल्ली में जन्म नहीं लिया है। डी हमेशा दूसरे वाले चीज के लिए, दूसरे वाला पर्सन के लिए यूज होता है। जो भी आपका इंग्लिश में वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट होता है वो सारा आपका सेकंड पर्सन के लिए क्या होता है, यूज होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर लिखा है क्वेश्चन में क्या, द वन हु बॉर्न इन पटना, ये तो हो चुका ना, डी एंड बी लिव एट द गैप ऑफ 1 फ्लोर, मतलब बी और डी के बीच में आपका 1 का गैप है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग लिख लेते हैं कि आज जब भी बैठेगा, थोड़ा सा सेंस कॉमन सेंस वाला बात है कि जब भी बैठेगा आपका इवन नंबर वाला, क्योंकि चेन्नई आपके इवन नंबर वाले फ्लोर पे एडजस्ट होने वाला है, आपका हैदराबाद भी आपका इवन नंबर वाले फ्लोर पे एडजस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम एच को यहाँ रखते हैं, मानते हैं कि एच यहाँ रहेगा, 1 2 3 यहाँ क्या होगा, हैदराबाद, लेकिन जैसे ही हैदराबाद होगा तो हैदराबाद के नीचे 2 फ्लोर के बीच करके आपका ई बैठेगा, 2 फ्लोर गैप करके यहाँ ई कभी बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता है, तो एच यहाँ नहीं होगा और नीचे तो हैदराबाद होने वाला है नहीं, ठीक है। एच को यहाँ लेते हैं तो नीचे नहीं आएगा हैदराबाद, तो हैदराबाद हमको क्या लेना पड़ेगा, ऊपर ही लेना पड़ेगा 2 का गैप करके ई यहाँ कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं, ई यहाँ कन्फर्म हो जाएगा। और जैसे ही ई यहाँ कन्फर्म होगा तो मेरा एक पॉइंट आया था कि पटना वाले के ठीक नीचे आपका डी बैठेगा जो दिल्ली से रिलेशन नहीं रखता है या फिर दिल्ली में जन्म नहीं लिया है, पटना यहाँ नहीं हो सकता है, पटना यहाँ होगा तो डी यहाँ नहीं हो सकता है, पटना मेरे पास एक ही प्लेस है जो यहाँ पे पटना हो सकता है तो यहाँ डी हो सकता है, और जैसे ही डी वहां एडजस्ट होगा बी यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही बी वहां एडजस्ट होगा आपका
यहाँ पे ए और जी एडजस्ट हो जाएगा, और जैसे ही ए और जी एडजस्ट होगा तो सी एडजस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम शॉर्टकट वन बाई वन स्टेप करके चलता जा रहा है, ठीक है। अब जी के बारे में क्या लिखा कि या तो ये रायपुर या कानपुर होगा, नहीं होने वाला नहीं, ये होगा, ठीक है। चलिए बी और बी का काम खत्म, पटना दिल्ली का काम खत्म, दिल्ली नहीं होने वाला बेटा, तो दिल्ली नहीं होने, दिल्ली तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। एक बार काम खत्म हो गया, हैदराबाद एच आपका क्या है, चेन्नई। थोड़ा सोचने वाला बात है कि इवन नंबर वाले फ्लोर पे आपका क्या है, ये हैदराबाद खत्म हो चुका, दिल्ली और चेन्नई खत्म हो चुका, बचा आपका क्या, मुंबई। मुंबई तो डी आपका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा कन्फर्म। चलिए ये होगा, अब हमको देखना क्या है कि और क्या क्या बोल रहा है मेरा यहाँ पे, और वाले में आपका क्या हो चुका है, पटना हो चुका है, पटना हो चुका है ना, पटना हो चुका है। मेरे पास 1, 2, 3 प्लेस खाली है, यहाँ पे रायपुर और सॉरी जयपुर और कानपुर, कानपुर होगा नहीं, जयपुर और कानपुर होगा नहीं, तो बचा क्या, रायपुर, ठीक है। और जैसे ही यहाँ रायपुर हो गया, यहाँ क्या होगा, कानपुर, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही होना है, और रायपुर ऑलरेडी हो चुका है, वो हो जाएगा, कानपुर यहाँ हो गया, जयपुर यहाँ होगा नहीं, तो बचा क्या यहाँ पे, जयपुर, एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन पटना, है ना, पटना में कौन जन्म लिया, तो सी जन्म लिया है, बॉर्न किया है, डैश वाज बॉर्न इन डैश एंड लिव जस्ट बिलो डैश, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से लोग जाएंगे, ऑप्शन में क्या लिखा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है कि ई डालेंगे ऊपर वाले फिलअप करेंगे, ई वॉज बॉर्न इन जयपुर एंड लिव जस्ट बिलो डी, ई वॉज बॉर्न इन जयपुर एंड लिव जस्ट बिलो डी, बिल्कुल सही। थर्ड वाला क्या है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग बी हैज सिमिलर रिलेशनशिप एंड हेंस फ्रॉम अ ग्रुप हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मतलब पांच में से चार आपका एक समान है, आपका पांचवा वाला कोई ना कोई आपका एक जो होगा वो आपका सिमिलर नहीं होगा। पहला वाला ऑप्शन है सी, सी आपका 7 नंबर वाले फ्लोर पे, ए आपका 2 नंबर वाले फ्लोर पे, जी आपका है 1 नंबर वाले फ्लोर पे, ई आपका है 5 नंबर वाले फ्लोर पे, एफ आपका है 3 नंबर वाले फ्लोर पे, कहने का मतलब है कि 2 आपका इवन नंबर वाले फ्लोर पे बैठा हुआ है, बाकी आपका कोई भी इवन नंबर वाले फ्लोर पे नहीं बैठा हुआ, सब आपका कहाँ बैठा हुआ है, और नंबर वाले फ्लोर पे, ठीक है। चलिए who among the following lived on even number floor, even number floor पे कौन बैठा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका A, है ना। चलिए ये सही हो गया, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको डिलीट करते हैं।